नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप लोग? वास्तव में देखती इसके ब्लॉग में ब्लॉग से आप सबका स्वागत है। यार मैं अपना वर्कआउट करके निकल रहा था एंड मुझे ये दिखा जो आपको दिख रहा है सामने, छोटे छोटे फूल और बहुत अच्छी हवा चल रही है। बारिशें जो हैं मुंबई की शुरू हो चुकी हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं सारी पत्तियाँ सब कुछ गीला हो चुका है, देख रहे हैं आप लोग। और इशू भी जो है उठ चुका है। तो ये बच्चा जो है सुबह सुबह उठ के लो ला था फॉर सम रीजन पिस्तू। ये देखिए आजकल दूसरा टाइम पास ये चल रहा है कि जब भी मौका मिले ना पिस्तू की तरह पंखा बंद कर दे, बच्चे बंद कर दे, ऐसे कम पे कर दे, वरना गर्मी हो जाएगी, इसको थोड़ा सा कम कर दे बस। ये देखिए हमारी इशू आपकी जो है नॉटी गर्ल होती जा रही है, फ्रिज खोल के खड़ी रहती है बस, और हमारा फ्रिज मुझे लगता है ख़राब हो गया है। गुड़िया सबको गुड मॉर्निंग विश कर दो वहीं से छुप के। इशू सब लोग जानना चाह रहे हैं कि सुबह कोई लोई लोई क्यों हो रहा था इशू का। नो, अभी इशू जो है मेरे जूते जूतों के पीछे। नहीं इशू, इशू मत करो यार, प्लीज मत करो, प्लीज। इशू गुड मॉर्निंग, हाय। अच्छा सबको हाय तो कर लो, हाय। तो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट और जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये सैंडविच है जो बहुत फेमस है शिल्पा का, और ये बच्चा खड़ा हुआ है मेरा सैंडविच देखने यहाँ पे खाने। तो ये है कुछ नहीं इसमें, दिस इज़ अ वेज सैंडविच, चीज़ है, पनीर है वगैरह वगैरह, और ये जो प्लेट है ना वो इशू का प्लेट है। तो आजकल जो है मैं इशू की प्लेट में खाना खाता हूँ, और ये हमारा ऑसम अग्निहोत्री इसका रियल चैम्पियन जो है आप सबके सामने खड़ा है। मे बी इज़ विशिंग यू गुड मॉर्निंग एंड इज़ ऑल्सो होपिंग एंड प्रेइंग कि काश यार मुझे एक पीस मिल जाए, जो ऑब्वियसली हम देंगे। पनीर बहुत अच्छा लगता है होली को, फॉर अ चेंज सो वी गिव हिम सम पनीर। जो है मेरे शूज़ पहन के आ गई है और पंगे कर दिया। इचू गिर जाओगे बाबा, ये देख रहे हैं आप लोग। तो बाहर मौसम माइंड ब्लोइंग हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है और मैं अच्छे एक प्रॉपर वर्कआउट के बाद जो हूँ ये सैंडविच खा रहा हूँ। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने जो है पहले मैं बीच में काफ़ी सालों मैंने अपना प्रोटीन शेक रोक दिया था, फिर मैंने स्टार्ट किया बीच में, लेकिन अब मैंने वापस अपना प्रोटीन शेक रोक दिया बिकॉज आई रेड एन आर्टिकल जो प्रोटीन शेक्स हैं ये अच्छे नहीं है, और ज़्यादातर लोग जो है ना एडल्ट्रेटेड जो लिखते हैं वो सब चीज़ें उसमें होती नहीं हैं, और जो चीज़ें होती हैं कभी कभी वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो कौन सा प्रोटीन अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है नो आइडिया, तो मैंने सोचा इसको बंद कर दो, नेचुरल चीज़ें खाओ। और ये जो ब्रेड है वो मल्टीग्रेन ब्रेड है, मल्टीग्रेन से भी आई थिंक एक दो नॉच ऊपर वो ब्रेड है, सो यू डोंट फील स्टफी, यू डोंट फील ब्लोटेड आफ्टर ईटिंग दिस ब्रेड, सो दिस इज़ इट। आप लोग बताइएगा, पोहा मैं खाता था, पोहा मुझे बहुत अच्छा लगता था बीच में, इफ यू गाइस रिमेंबर, तो बट पोहा थोड़ा सा हैवी पेट पे आ जाता है क्योंकि हमारी जो बच्चियाँ हैं पोहा इतना अच्छा बनाती हैं कि आदमी ज़्यादा खा लेता है। सो दिस इज़ इट। आप लोग अपना ब्रेकफास्ट रूटीन शेयर करिएगा, आप लोग क्या खाते हैं और आपकी बॉडीज़ को क्या क्या सूट करता है, यू लव टू नो, एंड मे बी वी कैन इनकॉर्पोरेट जो आप लोग खाते हो अपने ब्रेकफास्ट में। ईशू ने आप जाके देखा कि मैं सैंडविच खा रहा हूँ, और ये नज़र यहाँ है और ये है। तो इशू जो है इस तरीके से आके बैठ जाती है, आप लोगों ने देखा होगा हम दोनों को साथ में खाना खाते हुए। हाँ एक मिनट, हाँ ये हटा दो। ये छोटा सा पनीर का टुकड़ा है जो मैं देखना चाहता हूँ कि खाते के लिए। क्यों? प्लीज। ओह गॉड भैया, तुम मिर्ची मत खा लेना, मिर्ची भी रखी हुई है। गिर जाएगा बच्चों, गिर जाएगा। हाय, सबको हाय कर दो। अरे यार। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या है, तो देखिए यार द होल आइडिया इज कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चार दिन खाए हैं उसके बाद 3 महीने तक अगर आप खाना नहीं खाएंगे ढंग से तो फिर फिटनेस का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो ऑब्वियसली
इट विल शो इन योर बॉडी और मे बी नथिंग विल शो इन योर बॉडी यू नो जो आप कर रहे हो. तो ये है और आई थिंक जो बहुत हेल्दी चॉइसेस हैं वो वेजिटेरियंस के लिए मैं बोल रहा हूँ. जो इशू देखिए क्या कर रही है यार, ये पर्दे के पीछे छुपी हुई है. तो इशू तो चलिए गई अपनी मम्मा के पास. तो मैं बोल रहा था हेल्दी चॉइसेस का, मैं ये बोल रहा था कि ब्रोकली जो है बहुत अच्छी होती है खाने के लिए. लॉट ऑफ बॉडी बिल्डर्स ईट ब्रोकली. पीस बहुत अच्छे होते हैं. तुरई, तुरई को अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा. तो तुरई इज़ वेरी हेल्दी. और जो पल्सेस हैं वेजिटेरियंस के लिए वो बहुत अच्छी होती हैं. भिंडी इज़ अपेरेंटली वेरी गुड. भिंडी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वेजीज, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती हैं. तो भिंडी जो है बाहर हो रहा है, शिल्पा की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है. ईशानी 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 कुछ बदमाशी कर रही है. तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी चीज़ें हैं जो जो वेजिटेरियंस हैं वो खा सकते हैं. और आई कैन प्रॉमिस यू अगर आप लोग ये कंसिस्टेंटली खाएंगे इस तरीके की चीज़ें, एंड देन आई से भिंडी एंड ऑल, मतलब नॉट ऑयली भिंडी, तो वो है. तो इशू अंदर बोला जा रहा है कि जाओ डैडी के पास जाके बैठो क्योंकि इशू बाहर बदमाशी कर रही है. तो ये है, तो ये चीज़ें चलिए देखते हैं इशू क्या कर रही है बात. हाय इशू की निगाहें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है. कहे कुकू, कुकू बर्ड, ए कुकू बर्ड. और कौन आ गया? इशू का बेस्ट फ्रेंड आ गया. अरे वाह, शो शीट. ये जो है सोहा में इशू का बेस्ट फ्रेंड. ये देखा इतना लंबा. हाय, अरे वाह दीदी पाल, अरे बाप ले बाप, ये तो मोमेंट कैप्चर करना पड़ेगा. दिस इज सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. इशू विद द बेस्ट फ्रेंड. आज इनफैक्ट कोई हमें बता रही थी ना बिल्डिंग में, बेबी आज ही कोई बता रहा था ना, इशू और सोम की दोस्ती मतलब फेमस है बिल्डिंग. पीपी 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 करते हुए हम लोग जो है फिर आपसे विदा लेते हैं. और इशू को अपने बेस्टी के साथ बड़ा मजा आया. आपने से कुछ नहीं लिखा था कि सोहम को दिखाया नहीं हमने, बट सोहम इस पर आप लोगों ने देख लिया होगा. तो इशू हैड अ बॉल नाउ. शिल्पा इज गेटिंग सेट, उसको कहीं बाहर जाना है अपने काम से. तो बस हमें यूं ही देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें आपके प्यार की सख्त ज़रूरत है. वी लव यू और ओम नमः शिवाय. देखिए हमारे व्लॉग्स बहुत सिंपल रहते हैं, उनमें कुछ भी रहता नहीं ऐसा. और मैं अपने दिल की बात बताऊं आपको तो वो ये है कि जो व्लॉग्स हैं वो बेसिकली हम में से किसी के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इशू के लिए है. जब इशू बड़ी हो जाएगी तो अपना बचपन रिलीव कर पाएगी, सिर्फ इसीलिए यू नो. और ये भी पॉसिबल है कि जब इशू बड़ी हो जाए एंड शी टेल्स अस कि भाई मामा दादा आई डोंट वांट एनीबॉडी एल्स टू सी दीज व्लॉग्स, तो हम सबको अनलिस्ट कर देंगे. राइट बेबी, ये व्लॉग्स हम अनलिस्ट कर देंगे और फिर शायद आप में से दैट इज इफ शी इज नॉट ओके विद. तो ये लेकिन तब तक हम सिर्फ रिकॉर्ड करके थोड़ी थोड़ी जैसे एल्बम्स होते हैं ना, जैसे हम बच्चे थे तो एल्बम देखते थे, अपनी पिक्चर्स देखते थे, कितना मज़ा आता था. तो बस ये व्लॉग्स वैसे ही हैं और होपफुली वैसे ही होंगे इशू के लिए. सो वी लव यू ऑल, ओम नमः शिवाय. अपना ख्याल रखिएगा और अगले व्लॉग में एक बार फिर से आप सबके साथ मुलाकात होगी. बिग किसेस टू ऑल ऑफ यू. बाय.